शेफ हरपाल सिंह, सोखी और भिंडी एक ऐसी चीज है किसी भी प्रकार बना लो सबको पसंद आती है। और भरवा भिंडी क्या मजेदार, कैसे बनती है चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले भिंडी आपने लेनी है, अगर आपने वॉश की है, धो ली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ड्राई भी करनी है, जैसे कि ये थोड़ी गीली है। और उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भिंडी ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे मेरी बेबे किया करती थी, स्नैप करके हमेशा देखती थी, ये स्नैप हो जाती है मतलब भिंडी बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, ये स्नैप होना, ये इस तरह से वो जाके दुकान पे ऐसे जो स्नैप होती थी वही वाली लेती थी और बाकी वाली रख देती थी। तो बेचारा वो सब्जी वाला कहता था, माँ जी बाकी कौन लेगा, बोले अच्छी वाली भिंडी लेके रखा करो। ये देखिए, ये स्नैप हो गई परफेक्ट, ठीक है जी। अब इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, ये ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो इसमें एक लेस सी होती है वो आपको इरिटेट करेगी, ठीक है जी। ड्राई करके अलग रख लें। Now, this is good, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रोसेस ये है कि आप सीधे सीधे ये इसका जो सर है वो काट लें और एक स्लिट यहाँ से बीच से एंड तक मार लें और ये पॉकेट बन जाती है। ये देखिए, ये पॉकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, अंदर से कुछ भी नहीं निकालना बट पॉकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ठीक है। तो लीजिए, भिंडी हमने तैयार कर ली है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सब में स्लिट कर लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये स्लिट से दो फायदे होते हैं, एक तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह इन्फेक्टेड तो नहीं है भिंडी, और दूसरा क्योंकि भरना है बहुत ज़रूरी है कि स्लिट हो, और उसके लिए मुझे मसाला तैयार करना है भरने के लिए। अब यहाँ पे जितनी भिंडी ली है मैंने, 1.5 टेबल स्पून जो है एक बड़ा चम्मच और आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का ले लेते हैं, और लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, ठीक है जी, 1.5 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1.5 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, ठीक है जी। जितनी भिंडी है उसके हिसाब से मैं ले रहा हूँ, भिंडी लगभग समझ जाइए कि आधा किलो के आसपास है। चाट मसाला ये एक छोटा चम्मच डाल लेते हैं, यहाँ पे गरम मसाला एक छोटा चम्मच, ये लीजिए, और थोड़ा नमक डाल लेते हैं। और नमक डालते वक्त करिएगा टने 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 टने, आह क्या बात है, थोड़ा सा कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, वो इसलिए क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। ये लीजिए, ये मसाला हमने तैयार कर लिया, थोड़ा सा आकार जो है ना लाल दिखे तो बेटर है, जैसे है ना ये, तो ये मसाला हमने तैयार कर लिया। अब भिंडी लेनी है ये, और ये इसके अंदर जितना मसाला जा सकता है वो डाल देना है, ठीक है, और इसे मैं ये प्लेट में रख लेता हूँ। तो जी लीजिए, हमने भिंडी भर ली। अगर आपको बीच में लगे कभी आप बना रहे हो तो भिंडी कई बार थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपने मसाला ज़्यादा भर दिया एकदम दबा के, तो मसाला अगर कम पड़ जाए वापस उसी मात्रा में बना लीजिए। थोड़ा ज़्यादा पड़ा रह जाए, इससे भी ज़्यादा पड़ा रह जाए तो चिंता मत करिए, हम ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बनाने की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तेल ले लेते हैं, 2 बड़े चम्मच तेल लें। आइडली अगर जो लोग राई का तेल यूज़ करते हैं ना उनके लिए तो भाई जन्नत है, ये राई के तेल में मज़ा और आता है, लेकिन सब लोग राई पसंद नहीं करते इसलिए मैं राई का तेल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले जीरा डाल लेते हैं, एक छोटा चम्मच, ये लीजिए, जीरा जैसे ही भूनता है उसमें हम अदरक डाल लेते हैं, ठीक है, और लहसुन, ये जितनी ही मैंने भिंडी ली है उसके हिसाब से एक एक बड़ा चम्मच डाल लें, कटा हुआ डालेंगे, पेस्ट नहीं डालना हमने, ठीक है जी। ये लीजिए, बढ़िया, ये बढ़िया हो गया। अब इसमें हरी मिर्चें, और अब एक काम करना है, ये जो भिंडी है ये ले लेते हैं और सजा लेते हैं। और जितना खुला होगा आपका ये बर्तन, जितना फैला हुआ होगा, इस प्रकार की भिंडी के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भिंडी को भी ज़्यादा हिलाइएगा नहीं,
ये बिल्कुल पकने दीजिएगा और भिंडी को बीच बीच में आपने पलटते रहना है, ठीक है जी। और इस तरह से वो जो अदरक लहसुन है वो भी मिक्स होते रहेगा, वरना अदरक लहसुन जल जाएगा। आँच धीमे कर लीजिएगा, मध्यम आँच पे धीरे धीरे पकाइएगा। तेज आँच पे पकाएंगे तो अदरक लहसुन जल जाएगा पूरा। अब जब भिंडी अच्छे से पक जाए तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें और कुछ चीज़ें डाल लें। इसमें प्याज डाल लेते हैं, ये लीजिए, ये थोड़ा सा प्याज। एक प्याज को मोटे मोटे आकार में काट लें, साथ ही साथ मैं एक काम और करूँगा। एक टमाटर ले लेते हैं और इसके भी क्यूब्स काट के डाल लेते हैं। टमाटर पूरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आपको अवॉइड करना है बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा कलर आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। एक टमाटर डाल लें, देखिए थोड़ा सी कलर आ जाता है, बढ़िया हो जाता है। ये हो गया, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब साथ में वापस पकाइएगा। किसी टाइम पे आपको लगे कि जैसे भिंडी काफ़ी ड्राई हो गई है, तेल अगर आपको लगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लेता हूँ, एक टेबलस्पून तेल और ले लें, डाल लें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से वापस पकने लगे। और पहले भिंडी भर के आपने कम से कम 10-12 मिनट तक मध्यम आंच पे पकाना है और तवे पे, फैले हुए तवे पे डालना है। उसके बाद प्याज डालें, 3-4 मिनट और पकाना है ताकि भिंडी ठीक से पक जाए और प्याज भी पक जाए। और फाइनली मसाले जो बचे हुए वो डाल लेते हैं। एक ये जो मेरे पास बचा हुआ मसाला है ये मैं स्प्रिंकल कर लेता हूँ, ये भी बचा हुआ है, ये भी डाल लेते हैं। अगर आप तेज़ खाते ना तो मिर्ची पाउडर और डाल सकते हैं, ठीक है जी, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। और भिंडी बिल्कुल तैयार है परोसने के लिए, मेरे पास प्लेट बिल्कुल रेडी है और ये मैं ले लेता हूँ। ये हरा धनिया इस पर डाल लेते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया भरमा भिंडी तैयार है। अब बच्चों के लिए ना एक और